to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 24 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। 15वीं सदी के अंत तक यूरोप के कई देश व्यापार के लिए पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे। अरब देशों से जो व्यापार वो करते थे उससे उन्हें भारत का माल जैसे कपास, मसाले वगैरह मिलते थे, लेकिन वो सीधे भारत से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी, उत्पादन और खेती के लिए वहाँ का मौसम ज़्यादा अनुकूल था नहीं। इसीलिए उस दौरान यूरोप से कई जहाज़ी बेड़े व्यापार के नए मौके खोजने के लिए निकलने लगे। यूरोप में इस काल को एज ऑफ डिस्कवरी कहा गया और इस रेस में सबसे आगे थे स्पेन, फ्रांस, डच और पुर्तगाल। ब्रिटेन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। 16वीं सदी के अंत तक व्यापार के नाम पर वो ज़्यादातर स्पेनिश और डच जहाज़ों में लूटपाट मचाया करता था। एक दिन वो भी थे। भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापार करने में सबसे पहले सफलता मिली पुर्तगालियों को। 1498 में वास्को दी गामा पुर्तगाल से यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा और मालाबार कोस्ट पर मौजूद कलिकट में उतरा। उसने भारत में व्यापार के कई ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए और इसी के साथ यूरोप में भारतीय महाद्वीप से व्यापार स्थापित करने को लेकर होड़ शुरू हुई। 1577 में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक ब्रिटिश जहाजी ने सुदूर पूर्व की यात्रा करने की ठानी। इसके लिए उसने साउथ अमेरिका की तरफ यात्रा की योजना बनाई, जहां से स्पेनिश जहाजी सोना भरकर लाया करते थे। इस यात्रा के दौरान उसने जावा और मलाकू द्वीपों पर डेरा डाला। मलाकू को तब मसालों का द्वीप कहा जाता था, जहां से वो खूब सारा जायफल और लौंग लेकर 1580 में वापस ब्रिटेन पहुंचा। शुरुआत में उसने इन मसालों की कीमत का उससे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ये मसाले उन दिनों गोश्त को प्रिजर्व करने के काम आते थे, इसीलिए ब्रिटेन के व्यापारियों ने इन्हें कई गुना दाम पर हाथों हाथ खरीद लिया। इस यात्रा ने ड्रेक को ब्रिटेन में रातों रात हीरो बना दिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, उन दिनों स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन में आपस में ठनी रहती थी। इस दौरान होने वाली समुद्री लड़ाइयों में ब्रिटेन के हाथ कुछ पुर्तगाली जहाज लग गए। इनमें से एक जहाज भारत से माल लेकर वापस लौट रहा था, जिसमें सोना, चांदी और बहुत से मसाले भरे हुए थे। साथ में एक ऐसी चीज भी थी जो इन सबसे ज्यादा मूल्यवान थी। ये थी इस यात्रा की हैंडबुक, जिसमें चीन, भारत और जापान तक के समुद्री रास्तों की जानकारी थी। इसके अलावा इस हैंडबुक में व्यापारी ठिकानों का ब्यौरा भी दिया गया था। लंदन के व्यापारियों ने मसालों से होने वाले फायदे का स्वाद चख लिया था, इसीलिए उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के आगे एक अपील दायर की। अपील में इंडियन ओशियन में व्यापार की अर्जी शामिल थी। स्पेन और पुर्तगाल पूर्व में ट्रेड मोनोपोली बनाए हुए थे, वे चाहते थे कि इस मोनोपोली को तोड़ा जाए। एलिजाबेथ से अनुमति लेकर 1596 के साल में 3 जहाज भारतीय महाद्वीप के लिए निकले। इन जहाज़ों के कप्तानों को लंबी यात्रा का अनुभव नहीं था, ना ही वो इससे पहले कभी पूर्व की यात्रा पर गए थे, इसीलिए तीनों जहाज बीच रास्ते में भटक गए और खो गए। इसके बाद इस यात्रा की कमान संभाली फिंच ने, राल्फ फिंच इनका पूरा नाम था, जो इससे पहले मेसोपोटामिया और पर्शियन खाड़ी की यात्रा कर चुके थे। फिंच को भारतीय महासागर में व्यापार के लिए कंसल्टेंट बनाया गया। सितंबर 1599 में ब्रिटेन के व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा के लिए एक फंड बनाया, जिसमें उन्होंने मिलाकर 30,000 पाउंड यानी करीब 30 लाख रुपए का निवेश किया उस समय। फिर इन लोगों ने दोबारा महारानी एलिजाबेथ से इंडियन ओशियन के इलाके में व्यापार की इजाज़त मांगी। 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ ने इस समूह को एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया, जिसके तहत एक नई कंपनी को भारत और इंडीज में व्यापार का एकाधिकार मिला। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। भारत में इसी को आगे जाकर के कंपनी बहादुर के नाम से बुलाया जाने लगा। 1601 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहली यात्रा की कमान दी गई जेम्स लैंकेस्टर को। इस यात्रा के दौरान लैंकेस्टर ने इंडोनेशिया के पास जावा और मुलुकु द्वीप में अपने ट्रेड सेंटर स्थापित किए। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और जेम्स छठे जेम्स ब्रिटेन के राजा बने। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए अधिकारों को बरकरार रखा और इसके बाद कंपनी की दूसरी यात्रा शुरू हुई। 1607 के साल में ये हुआ। इस यात्रा में 3 जहाज भेजे गए। पहला था रेड ड्रैगन, दूसरा कंसेंट और तीसरे जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर का कप्तान था विलियम हॉकिंस। 24 अगस्त 1608 यानी आज ही के दिन हेक्टर ने भारतीय महाद्वीप में कदम रखा। हॉकिंस ने हेक्टर का लंगर सूरत के बंदरगाह में डाला। इस यात्रा के नतीजे में ब्रिटिश भारत पहुंच तो गए, लेकिन उनके आगे की राह ज़्यादा आसान थी नहीं। जैसे ही हेक्टर सूरत पहुंचा, उसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया। हॉकिंस को यह बताया गया कि भारत के सारे पोर्ट्स
पुर्तगाल के राजा के अधीन है। बिना लाइसेंस के किसी भी शिप को वहां लंगर डालने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। हॉकिंस ने अपने साथ हेक्टर में बहुत सारे तोहफे लाए हुए थे। इनमें से कुछ उसने पुर्तगालियों को सौंपे, जिसके बदले उसे आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करने की इजाजत मिल गई। उसने एक अफगान व्यापारी का वेश धरा और आगरा की ओर निकला। 16 अप्रैल 1609 को हॉकिंस आगरा पहुंचा। ब्रिटेन से निकलते वक्त उसको ये जानकारी दी गई थी कि भारत में उसकी मुलाकात बादशाह अकबर से होगी, लेकिन वो आगरा पहुंचा तो वहां सिंहासन पर जहांगीर बैठा हुआ था। जहांगीर के दरबार में पहुंचकर उसने ब्रिटेन के राजा जेम्स सिक्स का संदेश सुनाया और अपने साथ लाए बहुत से तोहफे दरबार में पेश किए। इन तोहफों में ब्रिटेन में के खास चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी शामिल थी। जहांगीर इन तोहफों से बहुत खुश हुआ। उसने हॉकिंस को दरबार में राजदूत के तौर पर शामिल होने का न्योता भी दिया। दोनों पक्के शराबी थे, हॉकिंस और जहांगीर, इसीलिए कुछ ही दिनों में जहांगीर और हॉकिंस की गहरी दोस्ती हुई। हॉकिंस की मंशा थी कि किसी तरह वो व्यापार के लिए जहांगीर को मना ले। नतीजतन उसने मुगल पोशाक पहनना शुरू कर दिया और वो मुगल अभिजात वर्ग की तरह ही पेश भी आने लगा। इस कारण जहांगीर ने उसे एक विशेष नाम भी दिया, खान हॉकिंस। अपने संस्मरणों में हॉकिंस ने जहांगीर के बारे में लिखा है, यकीनन जहांगीर धन, सेना और बल के हिसाब से पूर्व के सबसे ताकतवर सम्राटों में से एक है। पहली नजर में लगता है कि सब उससे प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार के पीछे की असलियत है जनता में उसका खौफ। जहांगीर अपनी सनक के लिए मशहूर था। वो हल्के से संदेह पर ही अपने विश्वास पात्र सचिवों को मार डालता था। हॉकिंस ने देखा कि एक सैनिक जिससे अधिक वेतन की मांग, जिसने कि उसे शेरों के साथ बंद पिंजरे में कुश्ती करने की सजा दी गई, एक अन्य व्यक्ति ने जब गलती से एक चीनी का प्याला तोड़ दिया तो उसे कोड़ों से मारने की सजा हुई और बाद में उस व्यक्ति को चीन भेजा गया ताकि वो प्याले की मरम्मत करवा के वापिस लाए, एक छोटी सी गलती से गुस्सा होकर उसने अपने बेटे शहरियार के गले को सुई से गोद दिया था। जहांगीर जब दरबार में पेश होता तो उसके साथ कुल्हाड़ी और चाबू के लिए लोग भी होते, जो उसके एक आदेश पर किसी को भी सजा देने को तैयार रहते थे। बादशाह से बातचीत के दौरान हॉकिंस हमेशा सावधान रहता कि किसी बात पर वो नाराज न हो जाए, क्योंकि उसने उदाहरण देखे थे। बातों बातों में उसने कई बार कोशिश की कि जहांगीर से व्यापार को लेकर बात छेड़ी जाए, लेकिन जहांगीर को ब्रिटेन से संबंध बनाने में कोई खास रुचि नहीं थी। वो अकबर की छोड़ी हुई विशाल रियासत का मालिक था। हॉकिंस के पास देने को ऐसा कुछ नहीं था जिसकी जहांगीर को जरूरत हो, बादशाह था। हर बार वो बात को घुमा फिराकर घोड़ों और शराब पर ले आता। हॉकिंस लगभग 2 साल तक मुगल दरबार का हिस्सा रहा। उसकी बादशाह से बढ़ती नज़दीकी लोगों ने जब देखी तो दरबारियों ने जहांगीर के कान भरने शुरू किए, जिसके नतीजे में हॉकिंस धीरे धीरे जहांगीर की छत्र छाया से दूर होता चला गया। अंत में जब उसे लगा कि यहाँ उसकी दाल गलने नहीं वाली है तो वो वापस ब्रिटेन की तरफ लौटा, लेकिन वापस पहुँच नहीं पाया क्योंकि बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। इस यात्रा की असफलता देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक खास राजदूत को भारत भेजा, एक्सपर्ट। इस राजदूत का नाम था थॉमस रो। 1615 में थॉमस रो भारत आया। उसने जहांगीर से मुलाकात की। 3 साल की कोशिशों के बाद जाकर उसने एक व्यापारिक समझौता करने के लिए जहांगीर को मना लिया। समझौते के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बंदरगाहों से व्यापार की इजाजत मिल गई। तय हुआ कि बदले में ब्रिटेन के उत्पाद भारत लाए जाएंगे, लेकिन जहांगीर को इसका होश नहीं था कि ब्रिटेन में ऐसी किसी चीज़ का उत्पादन होता ही नहीं है जिसका व्यापार भारत में हो सके। उसने तो सिर्फ ब्रिटेन से तोहफे में लाए गए शिकारी कुत्तों, महंगी शराब और पेंटिंग्स का शौक था। उसी के चलते समझौते पर दस्तखत भी किए थे। पुर्तगाली जहां अपनी सारी ताकत युद्ध और व्यापार पर खर्च कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन समझ गया था कि राजनीतिक कौशल का उपयोग करके वो भारत में आसानी से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने थॉमस रो जैसे मंझे हुए राजदूत को भारत भेजा। इस पहली डील के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर भारत के महत्वपूर्ण तटों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए और धीरे धीरे भारत में सबसे बड़ी इंपीरियल पावर यानी औपनिवेशिक ताकत बन गए। शो के अंत में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ललन टॉप का विशेष कैंपेन क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। इस यात्रा के दौरान अगर आप अपने दिल की बात हमें बताना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो lt.chunav@gmail.com lt.chunav@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही जल्द ही आने वाला है क्रिप्टो करेंसी पर ललन टॉप की विशेष पेशकश, जिसका नाम होगा एक नया पैसा, जिसमें आपको डिजिटल करेंसी से लेकर क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है तक सारी जानकारी मिलेगी। जुड़े रहिए द ललन टॉप के साथ। तारीख का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त राशिद ने। थैंक यू।